बैठ सिंगर के बैल में हर नंदी जाए पात नोदने बैठ हर नंदी जाए पात नोदने बैठ सिंगर के उसके नहीं भतीजा उसके नुके ना किसे चीज का तोड़ा है लिए बांध सगन का जोड़ा है जोड़ा किसके वास्ते हो लाडो भाई वास्ते भतीजे वास्ते वो है नहीं मत कर खेचा ताड़ी है तू मत कर खेचा ताड़ी है लिए मान बड़ों की पानी है लिए मान बड़ों की पानी कुमरन के पट रानी है रह पड़ी रात दिन महल में
लाडो, जब मौका लगता है तो सभी ताने देने से कोई नहीं रुकता। तो ये ताना है कि पिता तेरा सरदार है, जबकि पता है सारा कुछ दान कर दिया, बाबा बन रहा है, सेठों में साहूकार है, और वो तो कृष्ण जी का यार है, रह रात दिन और उनकी टहल में। बेटा कृष्ण जी की जिसको यारी है उसको तो पता है वैल्यू का, दूसरे के लिए तो बोली मारने का काम है ना। तो बेचारी हरनंदी जो है, बेटा बैठ जाओ भौजी प्लीज, वहां हरनंदी बेचारी अकेले जाती है, रोती है। एक बात पल्ला गांठ दे लियो बेटी, तुमने काम की बात बताया, ये जो गया ना, हरनंदी अकेली भगवान के मंदिर में बैठती है, रोती है। जब भी आपको ये लगे कि संसार में मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही और आपकी आत्मा पे बोझ है, बेटी आपके घर में जो भगवान का मंदिर है उसके आगे बात अपनी रख देना, गारंटी की बात है मेरी लाडो बेटी, सुनवाई होगी। ये कभी भी करके देख लेना, प्रैक्टिकल है बेटा जी, ये हरनंदी कर रही है, क्या कह रही है ध्यान देना, ध्यान देना बेटे, प्यार से पीछे चला कर बेटे। सारी जड़ी हरनंदी बढ़ के आवाज के लगाई हो बेटे, किसके जाऊं रे न्यों देने मात राम ने भाई न दिया, किसके जाऊं रे न्यों देने मात राम ने भाई न दिया, किसके जाऊं कैसे जाऊं, किसके जाऊं रे न्यों देने मात राम ने भाई न दिया, किसके जाऊं, किसे जाऊं
बेटा जब ये बात कह करके विलाप कर रही थी तो उनकी सास कहती है कि तू चिंता क्यों करती है, ऐसा क्या जुल्म आ गया, तेरा बाप तो जीवा है, तेरा बाप तो गटा है। मैं कहा हुआ मिट्टी बाड़ी में कहना कहे तेरे तो क्या कहा वो ध्यान से सुन। ए तेरा बाप लबाती आ जाएगा, तेरा बाप लबाती आ जाएगा, हर नंदी फिकर करे ठाकुर। सबते बड़ा व्यापारी है नरसी सेठ ने की मुश्किल, उसके घर की साहूकारी है। नरसी सेठ ने की मुश्किल, उसके घर की भर के बात दिखा जागा, भर के बात दिखा जागा, हर नंदे फिकर करे मेरी समझ में न्यू दिखे जितनी सरसे की नारी है। तेरी समझ में सबने चीर उड़ा जागा, सबने चीर उड़ा जागा, हर नंदी फिक्र करे खाली, तेरा बाप बलवाती आ जागा। बावन धजा महल पे भर के ऊंची गगन अटारी है, बावन धजा महल पे भर के ऊंची गगन अटारी है। मन सुन राखी तेरे पिता के संग में कृष्ण मुरारी है, मन सुन राखी तेरे पिता के संग में कृष्ण। को तो पता है ना बेटा किसका बाप साधु बन रहे, इसके पल्ला है नहीं कुछ। फिर वो भगवान के चरणों में बैठ के क्या कह रही है बेटा, प्रभु जी मेरी कौन बनावे धीर, प्रभु मेरी कौन बनावे धीर, कौन बनावे धीर,
तो फैसला क्या हुआ?